हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे वीडियो में व्यूज़ किस लिए नहीं आते, हम लाखों यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा दोस्तों, हमारे वीडियो में व्यूज़ किस लिए नहीं आते हैं और ऑडियंस हमारे साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं हो पाती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो आपके व्यूज़ कम क्यों आते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये पूरा बात बताऊंगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ लीजिए, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है और आपके हर वीडियो में व्यूज़ 50,000 आते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर होती है दोस्तों? आप समझते हैं, आपके सब्सक्राइबर के पास आपका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसके लिए आप यूट्यूब को ब्लेम करते हो। तो दोस्तों, प्रॉब्लम आपका कहाँ होता है? मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, आपका प्रॉब्लम आपके थंबनेल पर होता है। आपका थंबनेल अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपका इम्प्रेशन लोगों के पास नहीं जा पाता है, जिससे आपके व्यूज़ नहीं आते हैं और उसी वजह से आपका वीडियो सजेस्टेड में नहीं आ पाता है। अगर दोस्तों अभी तक आपको विश्वास नहीं आया है, तो दोस्तों मैं आपको अपना ही चैनल के बारे में दिखा देता हूँ। मेरे चैनल में 3K इम्प्रेशन आए हैं, पर मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत कम है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया। मैं इस बारे में बिल्कुल जानता नहीं था। मैंने रॉयल टेक हिंदी भाई, रॉयल टेक हिंदी जो कि संदीप भाई चलाते हैं, उनके चैनल में मैंने ये वीडियो देखा, और माय सपोर्ट चैनल जो कि धर्मेंद्र सर चलाते हैं, उनके भी वीडियो मैंने देखे, तभी मैंने सीखा कि हमारे वीडियो में व्यूज़ किस लिए नहीं आते दोस्तों। इसलिए मैंने आपको ये बताना चाहा। मैं रॉयल टेक हिंदी चैनल का वीडियो आपको मैं इसमें दिखा दूंगा, आप देख लेना दोस्त। फ्रेंड, जब आप अपने ब्राउजर में अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में नीचे स्टूडियो बेटा पर क्लिक करोगे तो फायरफॉक्स ब्राउजर या ओपेरा मिनी ब्राउजर में आप अगर यूज करोगे तो दिखेगा। क्रोम ब्राउजर बेटा में दिखेगा, लेकिन क्रोम ब्राउजर फिलहाल नहीं दिख रहा है, शायद बाद में अपडेट में दिखने लग जाए। इन तीनों ब्राउजर ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर देखो इंप्रेशन 3.5 मिलियन लिखा हुआ है। आखिर इंप्रेशन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंप्रेशन का मतलब है यूट्यूब ने 3.5 मिलियन मतलब 35 लाख तक 28 दिन के ऊपर, देखो लास्ट में लिखा हुआ लास्ट 20 डेज मतलब 28 दिन के अंदर लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचा है। सब वीडियो मिलाकर 35 लाख लोगों को हमारे वीडियो का थंबनेल लोगों ने दिखाया। जो भी सिस्टर में जो हम किसी भी का वीडियो देखते हैं तो नीचे वीडियो नज़र आते हैं वहाँ पर हैं, या फिर जब अपने यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वीडियो नज़र आते हैं, वो है। वो सब यूट्यूब ने कुल 3.5 मिलियन लोगों को दिखाया, 35 लाख लोगों को हमारे वीडियो का थंबनेल दिखाया। जो भी थंबनेल के ऊपर से गुजर गया वो एक इंप्रेशन के अंदर ऐड हो गया, चाहे वो क्लिक करे या ना करे, वो इंप्रेशन उसका आ गया। तो अब नीचे व्यूज़ है 2.59.9 के, मतलब 2,60,000 लोगों ने हमारे वीडियो पर क्लिक किया और उस वीडियो को देखा, और वॉच टाइम एवरेज नीचे 496.5 के मिनट्स, मतलब 35 लाख लोगों में से हमारे वीडियो को देखने वाले तो 2,60,000 लोग। और इस साइड में आती है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट CTR जो है 5.1% एवरेज ड्यूरिंग है। तो अब बात यह सीधी सी यहाँ पर एवरेज की ड्यूरिंग है, अब देख सकते हैं कि CTR 5.1% लिखा हुआ है। पहले CTR के बाद CTR 5.1% मतलब एग्जाम्पल समझ लो, यूट्यूब ने आपका वीडियो 100 लोगों तक पहुंचाया, आपका वीडियो का थंबनेल 100 लोगों को दिखाया, 100 में से 5% लोगों ने उस थंबनेल पर क्लिक किया और आपका वीडियो देखा। और नीचे आता है देखो व्यूज़ के नीचे है एवरेज व्यूज ड्यूरिंग 28%, मतलब सब वीडियो का टारगेट अगर लगाया जाए तो 28% तक आपका वीडियो लोगों ने देखा है। तो अब बात आती है कि भाई जो क्लिक बिट्स लोग करते हैं, जो थंबनेल पे कुछ और लगाते हैं और वीडियो के अंदर कुछ और ही बोलते हैं, तो उनका क्या होगा? तो बात आती है कि क्लिक बिट करने से उनका CTR जो कि 5.1% है वो बढ़ा के वो 20% तक बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको व्यूज़ के नीचे जो एवरेज व्यूज ड्यूरिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे कि 30% मामूली 30 से 50% तो हर किसी का होता है, जब 30% से 25% 20% 15% पे आ जाता है तब आपका वीडियो को यूट्यूब है ना उसको सर्च लिस्ट में लाने से हटा देता है और आपके वीडियो को इंप्रेशन देना ही बंद कर देगा। वो यूट्यूब लोगों तक आपका वीडियो पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब को लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्लिक बिट कर रहा है। और जब क्लिक बिट करोगे तो आपके इंप्रेशन CTR तो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग उस गजब थंबनेल को देखकर मतलब गलत थंबनेल लगाओगे लेकिन लोग उसको देखने के लिए तरसेंगे, क्लिक करेंगे, लेकिन उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, उनको पता पड़ेगा कि भाई वीडियो के अंदर कुछ गलत बता रहा है। तो यहाँ पर जो एवरेज व्यू ड्यूरिंग है वो
परसेंटेज कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्लिक करेंगे मालूम पड़ेगा वीडियो में गलत बता रहे तो वीडियो को डिसलाइक करेंगे या वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। तो मतलब एक मिनट का वीडियो है वो 10-15 सेकंड देखेंगे तो इसका एवरेज व्यू ड्यूरिंग कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंप्रेशन भले ज़्यादा हो लेकिन व्यूज एवरेज ड्यूरिंग कम होगा तो यूट्यूब को मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्लिक बिट कर रहा है, मतलब ये गलत वीडियो बता रहा है लोगों को, तो इसको व्यूज है ना उस वीडियो को यूट्यूब इंप्रेशन डालना ही बंद कर देगा उस वीडियो का, मतलब वो वीडियो ब्राउजर फीचर में लोगों को दिखने बंद हो जाएगा। और ये गलती करते हैं वो क्लिक बिट करने वाले, तो उनको भी अभी फायदा नहीं है, क्लिक बिट करेंगे तो स्टार्टिंग में व्यूज आएंगे लेकिन बाद में उस वीडियो को यूट्यूब रोक लेगा और नहीं आगे बढ़ने देगा उस वीडियो को। तो यही है सब कुछ, आपको बस अगर आगे बढ़ना है तो सीधी सी बात, यहाँ पर एक वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनाओ, जो थंबनेल बता रहे हो वो वीडियो के अंदर बताओ आप, यूट्यूब इंप्रेशन देगा और वॉच टाइम एवरेज बढ़ाने के लिए तो सीधी सी बात है आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। आप वीडियो में अच्छी तरह से लोगों को समझा रहे हो तो देखो व्यूज़ की एवरेज ड्यूरिंग 30-50% तो हर किसी के बीच में होती है, अगर 20% तक लगभग ऐसी होती है तो वो। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे, दोस्तों ऐसा थंबनेल बनाएं जिससे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने वीडियो की तरफ और वो खोल के आपका वीडियो को देखे और आपके तुरंत आपके चैनल को सब्सक्राइब करे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों शेयर करना हो तो आपका मन, उसके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय।